तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया 10,000 के नीचे बेस्ट फोन कौन से हैं। उसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा 15,000 से नीचे बेस्ट फोन, जिसमें आप लोग गेमिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे दमदार स्मार्टफोन जो आपके बजट यानी कि 15,000 से नीचे में आते हैं और वन ऑफ द बेस्ट फोन है, एकदम दमदार फोन है। तो आप लोगों को सारे फोन के बारे में जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। पांचों के पांचों फोन अपने प्राइस रेंज में अपने सेगमेंट में सबसे दमदार है। कुछ तो टाई हो गए भैया। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं रितेश, आप देख रहे हैं टेक प्रीवर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने सबसे पहले नंबर के स्मार्टफोन की बात करें जो कि 5G फीचर के साथ आता है, तो वो है Realme 8 5G। इसका प्राइस आप लोगों को 14,499 मिल जाता है। 464 वेरिएंट है, अगर हायर वेरिएंट इसका 15,000 से ज्यादा का दाम है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने। ये आप लोगों को दो वेरिएंट में मिल जाता है, एक सुपरसोनिक ब्लैक और एक सुपरसोनिक ब्लू। ये दोनों कलर शानदार है, आप लोग कोई भी परचेस कर सकते हो। अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हो। सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले, तो 6.5 इंच की बहुत ही बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है आप लोगों को, जो कि एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले है। बहुत ही शानदार पिक्चर्स क्वालिटी आने वाली है, मतलब देखने में व्यूइंग एंगल्स वगैरह सब सही है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी 5000 mAh की बैटरी, बड़ी बैटरी मिल जाती है और 18W का चार्जर इन द बॉक्स ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को बहुत ही फास्ट चार्ज करके दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आप लोगों को MediaTek का Dimensity 700 का चिप मिल जाता है, जो कि 7nm पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देगा। गेमिंग के मामले में भी ठीक ठाक ही है, बहुत ही ज्यादा हाइपर गेमिंग इसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ गेमिंग कर सकते हो, ऐसा फोन है। अब बात कर लेते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट है साइड माउंटेड, और इसमें क्या है तो कैमरा भी तो है भाई। बैक कैमरा 48+2+2 ट्रिपल कैमरा का दिया हुआ है, और फ्रंट में आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ आपके पोपड़े के लिए। इसी को टक्कर देते हुए एक और फोन है रेडमी की तरफ से आता हुआ है, Redmi Note 10T 5G। इसका भी प्राइस एकदम सेम है, 14,499 464 GB, हायर वेरियंट को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या है, तो सबसे पहले कलर की बात करें तो इसमें आप लोगों को चार कलर देखने को मिल जाते हैं, उसमें दो था इसमें चार है। सबसे पहला तो क्रोमियम सिल्वर, दूसरा मेटलिक ब्लू, तीसरा मिंट ग्रीन और चौथा ग्रेफाइट ब्लैक। चारों के चारों कलर्स एकदम शानदार कलर्स में आते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो एकदम सेम 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी इसमें भी है, उसमें भी है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें भी 18W का चार्जिंग दिया हुआ है। प्रोसेसर भी एकदम सेम टू सेम है, Dimensity 700 का प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें भी, जैसे कि उसमें भी दिया हुआ है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें भी है, उसमें भी है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा भी एकदम सेम है बैक का, 48+2+2, बट फ्रंट में चेंजेस है। 8 मेगापिक्सल का आपने थोपड़ा का फोटो खींचने के लिए एक सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, ये थोड़ा कैमरा में डिफरेंस है। अगर मेरी मानो और कंक्लूजन का बात करें दोनों में से कौन सा लेना, तो मैं बोलूंगा रियलमी का 8 5G लें, क्योंकि उसका जो UI है ना, MIUI से लाख गुना बेटर है भाई, मेरे को जैसा पर्सनली लगता है। मैं MIUI और Realme UI दोनों यूज कर रहा हूँ, मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है Realme UI इन कंपेयर टू दिस MIUI। तो अगर आप लोगों को लेना है तो कोई भी ले सकते हो, ज्यादा डिफरेंस है कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ फ्रंट कैमरा का एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फोन्स में। सिर्फ हमको लगता है ब्रांडिंग इधर उधर कर दिया और फ्रंट कैमरा की जगह कोई दूसरा कैमरा लगा दिया बस, और कोई चेंजेस नहीं है दोनों में। आप लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आप लोगों पर डिपेंड करता है, दोनों का प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, ये आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग को कौन सा UI पसंद है उस हिसाब से आप लोग ले सकते हो। तो सेकंड नंबर के फोन की बात करें तो वो है Realme 8। ये भी आप लोगों को 15,000 के रेंज के नीचे में मिल जाता है। 4128 का इसका वेरिएंट आता है, जिसका दाम है 14,999, हायर वेरिएंट का दाम ज्यादा है इसलिए इसका लोअर वेरिएंट हमने चूज किया है। दो कलर्स में आता है, साइबर सिल्वर और साइबर ब्लैक, ये दो कलर शानदार कलर से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है, जो इस प्राइस रेंज में शानदार है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और बैटरी इसमें बहुत ही ज्यादा आप लोग का बचेगा, और बैटरी की बात हो रही है तो 5000 mAh की बैटरी आप लोग को मिल जाती है इसमें, प्लस 30W का डार्ट चार्जर इन द बॉक्स, मतलब आप लोग 60 मिनट में फुल चार्ज करके दे देगा। 5000 mAh की बैटरी इतना जल्दी चार्ज हो जाए तो और क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आप लोगों को G95 यानी कि Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। अगर आप लोग गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इसी को लीजिए इस प्राइस रेंज में। अगर आपका गेमिंग प्रोसेसर लेने का, मतलब गेमिंग फोन लेने का विचार है ना, तो इसी को लीजिए भैया, क्योंकि ये गेमिंग आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से दे देगा, गेमिंग आप लोग कर सकते हो आराम से इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है आप लोग को, बीच वाला फिंगरप्रिंट, आप लोग को साइड में अंगूठा देने की जरूरत नहीं, बीच में अंगूठा लगाइए और फोन अनलॉक कर जाइए। अब कैमरा की बात करें तो बैक में आप लोग को 64+8+2+2 का कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में आप लोग को 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिससे आप लोग अपने सुंदर थोपड़े का ब्यूटीफुल फोटो खींच सकते हो।
तो इस फोन के बारे में यही था कि ये गेमिंग फोन भी बोल सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते हो तो। इसी को टक्कर देते हुए एक और फोन Redmi की तरफ से आता हुआ है, Redmi Note 10s। इसके प्राइस की बात करें 14,999 664 वेरिएंट का पड़े आता है और हायर वेरिएंट का प्राइस 15,000 से नीचे, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया है। कलर्स की बात करें तो डीप स्लीप ब्लू पहला कलर है, कॉस्मिक पर्पल बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर है, फ्रॉस्ट व्हाइट एंड शैडो ब्लैक, ये चार कलर में अवेलेबल है ये फोन। बात करें डिस्प्ले की तो 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले है लाइक Realme 8। नेक्स्ट बात करें इसमें बैटरी कितनी है तो 5000 mAh की बैटरी दी हुई और 33 वॉट का चार्जर इनसाइड द बॉक्स ही दिया हुआ है। अब प्रोसेसर की बात कर ले तो प्रोसेसर इसमें G95 दिया हुआ है जो कि सेम Realme 8 में दिया हुआ था, तो ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है। नेक्स्ट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और यही एक डिफरेंस है जो उसमें था, मतलब Realme 8 में है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, इसमें है साइड माउंटेड। नेक्स्ट कैमरा की बात करें तो 64+8+2+2 बैक में दिया हुआ है, फ्रंट की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अब कंक्लूजन की बात हो जाए तो दोनों में से बेस्ट कौन है, तो सबसे पहले तो कैमरा का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। Realme 8 में 16 मेगापिक्सल का कैमरा और वहीं Redmi Note 10s में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। ये मेगापिक्सल का झंझट साइड करते हैं, फिंगरप्रिंट भी अलग अलग है। चार्जिंग में Realme 8 थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि 30 वाट का चार्जर है, इसमें 33 वाट का चार्जर है, बट फिर भी मेरे कंक्लूजन के हिसाब से Realme 8 इज बेटर क्योंकि उसका UI सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, अभी इस प्राइस रेंज में बेस्ट है भाई, Redmi से तो लाख गुना बेटर है, इसलिए मैं तो Realme 8 को ही बोलूंगा अगर आपको वो खरीदना हो तो। तीसरे नंबर के फोन की बात करता हूं, वो Redmi की तरफ से आता हुआ Note 10, ये भी आप लोगों को बहुत ही शानदार फीचर के साथ मिल जाता है। 464 का दाम है, 13,499 रुपया, जो आप लोगों को तीन कलर में देखने को मिलता है, शैडो ब्लैक जो आप लोगों को 5 सितंबर से मिलने लगेगा कहीं भी मतलब Amazon पे, और नेक्स्ट है ऑरा ग्रीन जो अभी अवेलेबल है, और फ्रॉस्ट व्हाइट जो आप लोग को 11 सितंबर के बाद देखने को मिल जाएगा Amazon पे। बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की तो 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर आप लोगों को बॉक्स में ही मिलता है, मतलब कितना जल्दी चार्ज कर देगा आप लोग सोच सकते हो। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 678 आप लोगों को इसमें दिया हुआ है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी दी हुई है। बैक कैमरास की बात करते हो 48+8+2+2 मेगापिक्सल और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल, ये 13 क्यों देता और क्यों देता है, इसकी जगह पे 16 दे देता भाई बढ़िया रहता। खैर छोड़ो, मेगापिक्सल का वैसा झंझट तो है नहीं, आप लोग कैमरा क्वालिटी में आता, फोटो का क्वालिटी तो किसी में भी बढ़िया आ जाता अगर अपडेट्स वगैरह में अच्छा कर दिया जाए तो। चौथे नंबर के फोन की बात करते हो, अगर आप लोग को Redmi, Realme, Oppo, Vivo ये सब नहीं लेना है, मतलब चाइनीज फोन लेना ही नहीं है, तो किसकी ओर भागोगे, सैमसंग के ऊपर भागोगे ना, सैमसंग के पीछे भागोगे ही। तो मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक ऐसा सैमसंग का फोन जो 15,000 के नीचे में सबसे बेस्ट है, किलर बोल सकते हैं एक तरीके से। तो इसका प्राइस आप लोगों को पड़ेगा, पहले नाम सुन लो यार, सैमसंग गैलेक्सी F22, इसका प्राइस 464 का 12,499 है और 6128 का 14,499 है, और ये काफी हद तक टक्कर दे देता है बाकी सारा को अगर 5G को छोड़ दिया जाए तो। इसके अब स्पेसिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, 6 पॉइंट स्पेसिफिकेशन, पहले इसका कलर्स, दो कलर्स में आप लोग को ये अवेलेबल मिल जाएगा, एक डेनिम ब्लैक और एक डेनिम ब्लू, शर्ट छोड़िए भाई ब्लू डेनिम, खैर छोड़िए। अब इसके स्पेसिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, 6.4 इंच का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। अब आप सोच सकते हो सुपर एमोलेड डिस्प्ले 12,499 में सैमसंग का कमाल है भैया। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 15 वाट का चार्जर आप लोगों को इनसाइड द बॉक्स दे देता है, अगर चार्ज करे तो इसको नहीं भी तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा चार्ज होने में। खैर वो बात का बात है। प्रोसेसर की बात करें तो Helio G80 MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि अच्छा प्रोसेसर है, खराब प्रोसेसर नहीं, इस प्राइस सेगमेंट में सही प्रोसेसर है। हाँ G85 दिया हुआ था, आपका 10,000 के नीचे भी आ जाता है Realme Narzo 30A, बट Samsung की ब्रांडिंग आ गई ना भाई, Samsung की ब्रांडिंग आ गई, अब और क्या चाहिए, Samsung की ब्रांडिंग आ गई तो फिर बात ही हटा दो, और ऊपर से MediaTek का प्रोसेसर भी है। अब कैमरा की ओर बढ़ते हैं तो कैमरा में 48+8+2+2 बैक में दिया हुआ और फ्रंट में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है जिससे आप अपने सुंदर थोपड़े की बढ़िया फोटो ले सकते हो। बात करें फिंगरप्रिंट तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यही ओवरव्यू था इस फोन सैमसंग गैलेक्सी F22 के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट फोन की बात करें तो इस कैटेगरी मतलब मेरे इस कैटेगरी 15,000 कैटेगरी में सबसे नीचे में है तो वो है Realme Narzo 30, उसमें 30 था नंबर वन पे, इसमें 30 सबसे नीचे। एक्चुअली बात ये है कि Narzo 30 वगैरह लेने के लिए उतना लोग मरे नहीं जा रहे, इसलिए सेल में ऑलरेडी अवेलेबल रहता ही है, बट इसके स्पेसिफिकेशन सुनोगे तो एकदम मतलब बवाल स्पेसिफिकेशन है, अगर कोई लेते नहीं है बहुत ज्यादा लोग इसीलिए इसको सबसे नीचे मैंने रखा।
बात करें इसके प्राइस रेंज की तो 6128 आप लोगों को 14499 में देखने को मिलेंगे और 6064 आप लोगों को 13999 में देखने को मिलेगा और 464 है वो 12999 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कलर्स आप लोगों को दो कलर में मिल जाएगा, रेसिंग ब्लू और रेसिंग सिल्वर, दोनों ही शानदार कलर से आप लोग कोई भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तो 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 30 वाट का डार्ट चार्जिंग इनसाइड द बॉक्स ही मिल जाता है, 30 वाट का चार्जर 15 मिनट में हाफ चार्ज, खैर थोड़ी 5000 mAh बैटरी भी तो है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की तो G95 प्रोसेसर है, बट इसको नीचे रखा हूं क्योंकि इसके सेल्स एंड सर्विस के बारे में पता किया मैंने, इसलिए रिव्यूज देखे वगैरह वगैरह, इसलिए इसको सबसे नीचे रखा हुआ हूं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, खटर मटर सारे सेंसर वगैरह मिल ही जाते हैं इसमें, और बैक में 48+2+2 का कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का आपके थोपड़े के लिए कैमरा मिल जाता है सेल्फी लेने के लिए। तो यही ओवरव्यू था Realme Narzo 30 के बारे में। तो ये मेरे ओवरव्यू थे 5 स्मार्टफोन्स के बारे में, आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर अगर आप लोगों ने कोई भी स्मार्टफोन खरीदा है तो मुझे रिव्यू दे दीजिएगा कमेंट में, ताकि अगर कुछ गलती हुई होगी तो मैं सुधार लूंगा, या फिर कमेंट में टैग कर दूंगा या फिर पिन कर दूंगा आप लोगों का कमेंट कि भैया ये गलती है इसको मत लेना या फिर ये ज्यादा बेटर है तो ले लेना। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को चूज करना है 5G अगर नहीं चाहिए तो Realme 8 की ओर बढ़ सकते हो, अगर 5G फोन चाहिए और अभी से ही प्लानिंग कर लिया चलो 5G फोन रख लेते हैं आने वाले दिनों में भी काम आ जाएगा तो Realme 8 5G की ओर जा सकते हो, इन सारे फोन में सबसे टॉप में आता है वो फोन। तो बस इस वीडियो को यही अंत करते हैं, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने तरफ से एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो अभी तक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बगल में जो घंटे का आइकन उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप कोई मिस ना कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।